लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज करने वाले सभी अधिकारियों पर प्रदेश सरकार एक्शन मोड में आ गई है, जिसके कारण अधिकारियों में भी खलबली मच गई है। रोहतक में डीसी और एसडीएम सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और इसके साथ समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। डीसी अजय कुमार ने कहा कि जिले के हेडक्वार्टर और ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों को सरकारी दिशा निर्देश अनुसार जन समस्याएं सुनने के आदेश दिए गए हैं। सरकार के निर्देशों अनुसार प्रतिदिन 9 से 11 बजे प्रत्येक जिला मुख्यालय पर और सब डिविजनल मुख्यालयों पर समाधान शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुना जाएगा और त्वरित तरीके से उसका समाधान किया जाएगा और इसकी डेली की समीक्षा की जाएगी। डेली रिपोर्ट जो है संबंधित विभाग से ली जाएगी एंड सरकार को जो रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी। आज पहले दिन हमारे पास कुल 5 समस्याएं हैं, जो प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, पेंशन और पीने के पानी की समस्याओं से संबंधित थी। यहाँ पे विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित हैं, उन सभी को ये शिकायतें देकर उनसे रिपोर्ट दोपहर बाद सबमिट करने के निर्देश दिए हैं।